हेलो माय डियर फैमिली, लो आ चुके हैं लौट के हम एक बार सिनेमा की अपडेट के साथ। आपका सोचे थे नहीं आएंगे, गला जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे कुछ मैच नहीं कर रहा। जब तक बताएंगे नहीं तब तक आगे का जवाब आप दो। तो हम शुरू करते हैं गाइज। हम बात करने वाले हैं मिशन इम्पॉसिबल 7 की फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। पहले दिन मिशन इम्पॉसिबल ने रिलीज होते ही एकदम बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है, मतलब गदर मचा दिया है। टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल 7 ने जबरदस्त स्टार्टिंग दी है। इंडिया की बॉक्स ऑफिस पर फिल्म देखने के लिए बहुत अच्छी खासी ऑडियंस सिनेमाघरों में पहुंची है। बारिश की झमाझम के साथ ऑडियंस की भीड़ देखकर मैं तो चौंक गया था। इतनी बारिश हो रही थी फिर भी थिएटर हाउसफुल नजर आ रहे थे। गाइस, एथन हंट के रूप में वापसी कर रहे टॉम क्रूज को देखने के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस, पहले दिन टॉम क्रूज की फिल्म ने लगभग 12 करोड़ इंडिया में कमा लिए हैं बॉक्स ऑफिस पर। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। ये फिल्म केवल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि अदर कंट्री में भी ये दमदार शुरुआत कर चुकी है। तो मेरे दोस्तों, आपने टॉम क्रूज की ये मिशन इम्पॉसिबल 7 मूवी अगर आपने देखी है तो वीडियो के कमेंट में आप जरूर बता के जाइए कि आपको ये कैसी लगी है। मिलता हूँ ऐसे ही न्यू अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना।